मुझे याद आ गया कि आज से 20 साल पहले भी मैंने ये खाए थे। तो इनकी वेबसाइट है और इनका मोबाइल नंबर भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे घर पे। सो आप जैसा कि थंबनेल टाइटल से देख सकते हैं कि आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है, और अगर आप दिल्ली से हो तो आपको छोले भटूरे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। सो आज के जो छोले भटूरे हैं वो मंगवाए हैं मैंने सीताराम दीवान चंद पहाड़गंज। तो मैं आपको इनका डिब्बा इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, एंड इनकी भी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, वो मैं भी आपको फर्दर क्लिप में दिखाऊंगी। सो मुझे इनके डिब्बे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जो इनका लिड था उसमें कोई भी टेप नहीं लगा हुआ था सिक्योर करने के लिए, बट स्टिल जो ऑयल था इन छोलों का या फिर इन आलू का वो बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड मुझे लगा ये चीज़ मुझे मेंशन ज़रूर करनी चाहिए। सो अगर आपको ऐसी रिव्यू वीडियोज़ और देखनी है देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें, एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपने यहाँ के छोले भटूरे कभी ट्राई करे हैं या नहीं करे, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो अब हम इसकी अनपैकिंग वाली क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि इनकी पैकेजिंग कैसी आई थी, और उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे। इनकी पैकिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जितना भी फूड है वो सारा वाइट प्लास्टिक बैग में आया है। सो अब उसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है और कैसी पैकेजिंग आई है। सो जैसे ही मैंने पैकेज ओपन करा उसके अंदर दो बॉक्सेस हैं, एक में है आलू और दूसरे में है छोले। जो इनके बॉक्सेस हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है। इसके अंदर एक पेपर बैग भी है जिसके अंदर मेरे भटूरे हैं, काफ़ी अच्छे से पैक होकर आए हैं। इसके अलावा मुझे इसके अंदर अचार, प्याज और चटनी भी मिला। उसके अलावा मुझे इनके बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, वो इसीलिए क्योंकि बाकी जितने भी रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं वो सारे टेप यूज़ करते हैं सील करने के लिए, बट इन्होंने कोई भी टेप यूज़ नहीं करी, और इनके इतने टाइट लिड्स थे कि कोई भी ऑयल जो भी आलू या छोले के हैं वो लीक ना हो। सो जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है और हमें अपनी तरफ से सारे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। सो मैं इस पूरे खाने को जल्दी से गर्म करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये मैं अपनी प्लेट ले आई हूँ एंड ट्राई करते हैं। ये मैंने भटूरा डाल दिया, इसको साइड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके छोले कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं और मसालेदार लग रहे हैं। इनके आलू भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने चटपटे लग रहे हैं, और इनके आलू के चंक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो अब मैं आपको एक बार अपनी प्लेट दिखा देती हूँ। तो ये रहे आलू, छोले, अचार, प्याज और ये रहा भटूरा। सो अब इसे फटाफट से खाते हैं इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। सो ये जो इनका भटूरा है ये पहले से ही बना के रखते हैं, बट ये जो तवे पे सेकते हैं उसका ही एक्चुअल टेस्ट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी और टेस्टी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑयली भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। सो इसे एक बाइट तोड़ के देखते हैं। इसके अंदर की फिलिंग भी देखते हैं। सो ये है इसके अंदर की फिलिंग, आप देख सकते हो।
सब ऐसे खाते हैं, एक अच्छी सी बाइट बनाते हैं। सो ये लिया हमने छोले, और ये रहा आलू का मसाला और थोड़ा सा आलू, प्याज। इनके जो छोले हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, इनके मसाले में इतना ज़्यादा फ्लेवर है, चटपटा है, और जो इनके ये आलू हैं ये एकदम टैंगी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फुल बाहर का फील घर के अंदर आप ले सकते हो, वो भी फुल सेफ्टी मेजर्स के साथ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया। आम जो इनके भटूरे हैं, जिन उनके बारे में तो मैं बोलना ही भूल गई, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी है, इवन दो ये ऑयल से भरे हुए हैं बट ये फ्लफ़ी हैं। और ये जो छोले और ये चटपटे आलू के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मज़ा आ गया खा के, इतने टाइम बाद इतने अच्छे छोले भटूरे घर पे खाने को मिल रहे हैं। सो अगर आप सभी लोगों को भी यहाँ से सीताराम देवाचंद से खाना मंगाना है, तो इनकी वेबसाइट है और इनका मोबाइल नंबर भी है, आप उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, और ये ऑल ओवर दिल्ली NCR आपको डिलीवर कर देते हैं। और अगर मैं इनकी फुल प्लेट छोले भटूरे की बात करूँ, जिसमें दो भटूरे आते हैं और छोले और आलू विद प्याज अचार एंड चटनी आपको सब मिल जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की पड़ेगी। एंड इसमें हाँ, अगर दिल्ली NCR की तरफ अगर वो आपको डिलीवर कर रहे हैं तो इसमें थोड़े से डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, बट आपको फुल सेफ्टी मेजर्स के साथ घर पे मिल जाएगा खाने को। सो अब मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ट्राई करवाती हूँ और उनका रिव्यू देखती हूँ कि इसके लिए क्या है। अब आप टेस्ट करके बताओ कैसा लगा आपको। बहुत अच्छे, आलू के साथ भी खाओ। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मुझे याद आ गया कि आज से 20 साल पहले भी मैंने ये खाए थे तो वैसे ही टेस्ट था, तो अब भी वैसे ही। तो आप सभी लोग भी खा सकते हो, अगर पुराने जमाने टाइप के छोले भटूरे जैसे मिलते थे 20 साल पहले वैसे। ये है कि इसमें आज के जमाने की तरह है, मतलब खट्टा इतना नहीं है, नमक मिर्च बिल्कुल सही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले ये मिर्च मुर्च बहुत खाते थे, अब नहीं खाते। पहले मिर्ची होती थी, पहले मिर्ची होती थी थोड़ी, अब नहीं, अब बिल्कुल सही है, और बहुत मजा आया। और इनकी पैकेजिंग जब आई थी आपको कैसी लगी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छा था कि जो बॉक्स थे इसके, वो बहुत अच्छे टाइट थे, खुल नहीं सकते थे। के साथ चने में के साथ जो अचार है ना, उसका तो कुछ मजा ही और है। बट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि मैं खा नहीं सकती हूँ, इसलिए देख के ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारा ही खा लूँ। सो बड़े मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे को भी छोले भटूरे यहाँ के बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अगर आपको ये वीडियो और ये रिव्यू पसंद आया है, देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। और आप लोग ज़रूर कमेंट डाउन करना कि आपको अगली रिव्यू वीडियो क्या चाहिए।